श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। हम सभी के यहाँ, हम जो हिंदू धर्म के सभी लोग हैं, उनके यहाँ तुलसा मैया तो अवश्य होगी। हम उनकी पूजन भी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो तुलसा जी की पूजन विधि विधान से करता है, जो व्यक्ति हमेशा तुलसा जी को अपने घर में रखकर उनकी पूजन करते हैं, उनके घर कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती और कभी क्लेश नहीं रहता। ऐसी कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती जिससे उनके यहाँ जन क्षति हो। इसलिए हमेशा तुलसा मैया हम हिंदुओं के घर में होना अनिवार्य होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जो हम पूजन करते हुए भी हमें नहीं मालूम होता कि हमें तुलसा जी को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, दीपक लगाएं तो कैसा दीपक लगाएं, उनमें तुलसा जी के गमले में हमें शालिग्राम जी रखना चाहिए या नहीं, और क्या रख सकते हैं हम साथ में, उनकी परिक्रमा करें कि नहीं करें, ये बहुत सारे प्रश्न, उन्हें भोग लगाएं या नहीं लगाएं, ये सभी प्रश्न हम लोगों के मन में उठते हैं और कई लोग मुझसे करते भी हैं कि आप इन प्रश्नों के उत्तर दें। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये सभी आपके प्रश्नों के उत्तर देने जा रही हूँ। आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें और आपके मन में जो भी सवाल हो रहे हैं, उठ रहे हैं, वह आपको वीडियो के माध्यम से अवश्य मिल जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न हम लोगों के मन में यह उठता है कि हम तुलसा जी में जल चढ़ाते हैं तो किस तरीके से हम तुलसा जी में जल समर्पित करें जिसका हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। इसके लिए सर्वप्रथम हम तुलसा जी के पास, जो तुलसा का क्यारा है, उसके पास आसन बिछा लें और जो भी हम जल के लिए कलश है हमारे हाथ में, उसे सब सर्वप्रथम हम तुलसा जी की जड़ में जल समर्पित करें। हमें जल समर्पित करते समय तीन बार परिक्रमा देते हुए तुलसा जी की जड़ में जल समर्पित करना चाहिए और जो चौथी परिक्रमा होगी उससे हमें तुलसा जी के ऊपर से हमें ऐसे जल डालना चाहिए कि उसके तुलसा जी के तने पत्ते सब भीग जाएं। और नीचे हम जड़ के पास ऐसा छोटा सा बर्तन रख दें कि जिसमें जल, ऊपर का जो जल है वह नीचे बर्तन में आ जाए। इस जल को हम पूजन करते समय हमारे थोड़ा सा मस्तक पर छिड़क लें, अपने शरीर पर छिड़क लें और साथ ही जब हम पूजन करके हमारी पूजन समाप्त हो जाए, जब हम पूरे घर में यदि छिड़काव करते हैं इस जल का, तो हमारे घर में से नेगेटिविटी पूरी तरह से निकल जाएगी। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि हमें दीपक कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, हमारा दीपक कैसा हो, साथ ही बाती घी की लगाएं या तेल की। तो इसके लिए सर्वप्रथम तो हम ये कर सकते हैं कि यदि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सूर्योदय से पूर्व उठ जाते हैं, तो हम दीपक सुबह भी लगा सकते हैं। तुलसा जी की पूजन करके हम सुबह भी दीपक लगा सकते हैं। किंतु यदि हम पूजन करने में लेट हो जाते हैं, थोड़ा सा हमें देर हो जाती है, तो हमें फिर सुबह दीपक नहीं लगाना चाहिए। फिर हम जब सायंकाल पूजन अर्चन करते हैं तब हमें तुलसा जी को दीपक लगाना चाहिए। दीपक लगाते समय हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, अब मैं ये बताने जाती हूँ। हम दीपक लगाते हैं तो घी की बाती का, यदि गाय का घी मिले तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। यदि किसी कारण से आप शुद्ध घी का दीपक नहीं लगा पा रहे हैं तो आप तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। दीपक कभी भी तुलसी में लगाते समय हमें यह ध्यान अवश्य देना चाहिए कि दीपक जमीन से स्पर्श नहीं करे। इसके लिए आप छोटी सी प्लेट में दीपक रखकर भी लगा सकते हैं, या यदि आप साबुत अक्षत लेके कुछ दाने ले लें साबुत अक्षत के और फिर उसे रखकर उस पर यदि दीपक लगाकर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यह अति उत्तम होता है। इस तरह अक्षत के कुछ दाने रखकर यदि उस पर दीपक रखा जाए तो माँ तुलसी, जो स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी का रूप होती है, और श्री हरि विष्णु, जो हमेशा तुलसी जी के साथ विराजते हैं, अति प्रसन्न होकर
अपनी कृपा दृष्टि आप पर बनाते हैं और आपको धन्य धान्य सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। एक तरह से आप जो दीपक को के नीचे अक्षत के दाने रख रहे हैं, आप दीपक को आसन देकर प्रज्वलित कर रहे हैं। आपको दीपक के विषय में एक बात अवश्य और ध्यान रखनी चाहिए कि यदि आप किसी धातु के दीपक को तुलसी के समक्ष लगा रहे हैं तो आप उसे रोज साफ कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मिट्टी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे आपको सूखे कपड़े से साफ करना चाहिए, या ज़्यादा ही काला कालिक हो गई हो उसमें तो आप उसे धो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी आपको ध्यान रहनी चाहिए कि दीपक बार बार बदलाना नहीं चाहिए। यदि आप मिट्टी का दीपक भी लगा रहे हैं तो भी बार बार बदलने का क्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो दीपक हम रोज़ लगाते हैं वह सिद्ध हो जाता है। दीपक लगाते समय यह बात का अवश्य आपको ध्यान रहना चाहिए कि उसमें जो पहले की जलाई हुई बाती है उसका अंश ना रह जाए, या ज़्यादा मात्रा में कोई कालिख या गंदगी ना हो। ऐसा होता है तो यह उत्तम नहीं होता। साथ ही घर में, घर के जो मंदिर में आप दीपक लगाते हैं उसके साथ भी यही आपकी मनोदशा होना चाहिए कि आपको यह दीपक बार बार बदलना बिल्कुल नहीं चाहिए। साथ ही तुलसा जी के दीपक को भी बार बार नहीं बदलना चाहिए। इस बात का उल्लेख पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी अपनी कथा में कई बार किया है, क्योंकि हमारे बार बार दीपक बदलने से हमारी पूजा का फल उस दीपक के माध्यम से हमसे कम हो जाता है। हाँ, लेकिन यदि दीपक खंडित हो गया है या बहुत अधिक उसमें कुछ गंदा सा जम गया है, कालिक हो गई है, तो आप अवश्य बदल ले सकते हैं। और यदि आप धातु का दीपक लगाते हैं तो आपके सामने ऐसी कोई समस्या आती ही नहीं है। तुलसी मैया के पूजन में भोग लगाएं या नहीं, ये भी एक सभी के मन में सवाल होता है, प्रश्न होता है। कई भ्रांतियाँ भी है इस विषय पर, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि पूजन बिना भोग समर्पित किए हुए संपूर्ण नहीं माना जाता है, किंतु माँ तुलसी जी के बारे में ऐसा कुछ भी प्रचलित नहीं है। फिर भी यदि भोग समर्पित करना ही है तो भोग छोटे से किसी बर्तन में लगाकर, चाहे वह शक्कर का लगाएं या गुड़ का लगाएं या मिश्री का लगाएं, क्योंकि भोग तो हमेशा मीठे का ही लगाया जाता है। बर्तन को माँ तुलसा जी के समक्ष रखकर भोग लगाकर जल छोड़कर तुरंत उठा लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी रूप में आप उसको वहीं रखे रहने देते हैं तो चींटियाँ होने का अंदेशा बना रहता है। आप ये भोग की चीनी, जो शक्कर आपने लगाई है, शक्कर, गुड़ या मिश्री किसी भी बच्चे को दे सकते हैं। यह तो हुई तुलसी जी में जल कैसे चढ़ाएं, पूजन, दीपक और भोग लगाने की जानकारी, किंतु हम में से कई लोग अभी तक इस बात से अनभिज्ञ हैं कि तुलसी दल कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं। तुलसी दल बिना श्री हरि विष्णु जी की का पूजन कभी भी संपूर्ण नहीं होता है। ठाकुर जी तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक भोग में तुलसी दल ना हो, तो तुलसी दल तो हमें लेना ही होता है, लेकिन तुलसी दल तोड़ने संबंधी कुछ भी और भी नियम भी होते हैं। यदि हमें तुलसी दल लेना हो तो हमें पहले तुलसी मैया से हाथ जोड़कर विनती करनी चाहिए कि हमें तुलसी चाहिए, तुलसी दल चाहिए, फिर बिना नाखून लगाए तुलसी दल तोड़ना चाहिए। रविवार के दिन जल चढ़ाना भी निषेध माना गया है, साथ ही तुलसी दल तोड़ना भी रविवार के दिन निषेध है। रविवार के साथ साथ बुधवार, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, इन दिनों में भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। आप अधिक तुलसी दल तोड़कर और इसे रख सकते हैं, इसका कोई भी दोष नहीं होता। संध्या काल, दोपहर, ग्रहण काल, इन स्थितियों में भी तुलसी दल तोड़ना निषेध माना गया है। यदि आपके पास शालिग्राम जी हैं तो आप उन्हें अवश्य तुलसी के क्यारे में रख सकते हैं। साथ ही यदि आपके पास शंख भी है तो आप उसे भी तुलसी जी के गमले में रख सकते हैं। जिस घर में तुलसी जी के साथ साथ शालिग्राम जी और शंख एक ही स्थान पर विराजित होते हैं, वहाँ बड़ी से बड़ी अनिष्टकारक घटना होते होते टल जाती है और सभी प्रकार के सुख उस घर में हो जाते हैं।
धन निधान से पूरी वो हमेशा घर बना रहता है। हम जब तुलसी मैया की पूजन अर्चना करें, शालिग्राम जी की भी अवश्य करें, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। स्वयं तीर्थ का निवास ऐसे घर में माना गया है। कई लोगों की यह भी भ्रांति होती है कि किसी ने ऐसे इसी संबंध में किसी ने मुझसे प्रश्न भी किया था कि हमारे घर में तुलसी जी सूख गई है, क्या हमारे यहाँ कुछ अनिष्ट होने वाला है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तुलसी के पौधे की आयु पूर्ण होने पर या उचित रखरखाव ना होने के कारण भी तुलसी मैया सूख जाती है। इसलिए ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हमारे घर की तुलसी सूख गई है तो अवश्य कुछ हमारे साथ बुरा होने वाला है। यह एक प्राकृतिक क्रिया है। यदि आपको पहले से ऐसा कुछ समझ में आने लगे कि हमारी तुलसी मैया सूखने लगी है, तो आप दूसरा गमला तैयार करके तुलसा जी के बीज, मंजरी, किसी भी शुभ दिन, यदि संभव हो तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, या नहीं भी हो तो शुक्रवार या गुरुवार के दिन आप बीज रोप के रख दें। जल्दी ही तुलसा जी के नए पौधे आपके घर आ जाएंगे और जो आपके मन में अनिष्टकारक घटना का विचार है वह भी नहीं आएगा। और जब वह तुलसा जी पूरी तरह सूखे से सूख जाती है तो उसे जड़ सहित निकाल कर किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। कई लोगों को यह भी संशय होता है कि रविवार के दिन तुलसा जी में जल समर्पित किया जाए कि नहीं, तो क्या हम इस दिन पूजन भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मेरा मानना यही है कि रविवार को तुलसी जी में जल तो नहीं डालना चाहिए, तुलसी जी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, लेकिन दीपक प्रज्वलित करने का कोई दोष नहीं है। हमें तुलसा जी के समक्ष दीपक तो रोज ही लगाना चाहिए। तुलसी मैया को हमें हमेशा हमारे घर में उत्तर पूर्व के कोने में, मतलब ईशान कोण में विराजित करना चाहिए। पूर्व और उत्तर दोनों दिशाएं भी तुलसा जी को स्थापित करने के लिए श्रेष्ठ दिशाएं होती हैं। कभी भी भूलकर भी दक्षिण दिशा में तुलसी मैया का क्यारन नहीं रखना चाहिए। यह दिशा बिल्कुल भी तुलसी जी के लिए श्रेष्ठ नहीं है। तुलसी जी का गमला जहाँ रखा हो वहाँ साफ सफाई अवश्य रखनी चाहिए और नियमित उसमें जल समर्पित करना चाहिए और पूजन अर्चना के बाद दीप प्रज्वलित करना, यह हमारा नियमित नियम होना चाहिए। यदि आपके यहाँ तुलसा जी है और आप उसकी नियमित पूजन करना, दीपक लगाना नहीं करते तो ये श्रेष्ठ फलदायक नहीं होता। एक बात का आप अवश्य ध्यान रखें, जब भी तुलसा जी पर मंजरी आए और पक जाए तो आपको मंजरी उतार लेनी चाहिए, क्योंकि यह एक प्रकार से तुलसी मैया को मंजरी उतार कर सुख प्रदान करता है। इस प्रकार यदि आपके घर में भी तुलसा जी है और आप इन नियमों का पालन करते हैं तो सभी तरह के सकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, धन निधान अतः लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मैंने आपसे इस वीडियो में